गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज रिमी एंड माय चैनल इज येलो डेजी डीवी. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मलाई मेथी चिकन हम कैसे बना सकते हैं. तो मैंने ऑलरेडी ये डिश प्रिपेयर कर लिया है, तो मेरे पास फोटोज है, मैंने फोटोज निकाले थे. आप पहले वो चेक कर लीजिए कि ये कितना यमी दिख रहा है. खाने में तो अच्छा है ही, देखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा है. तो आप पहले फोटोज चेक कर लीजिए. फोटोज देख लिया आपने, अच्छा दिख रहा है ना. तो ये खाने के लिए भी बहुत ही यमी है एंड बहुत सिंपल तरीके से मैंने इस रेसिपी को बनाया है. तो आप देखिए, एक टिप है जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ. तो टिप क्या है? टिप ये है कि मेथी जो है वो थोड़ा सा बेटर होता है खाने के लिए. बहुत लोगों को पसंद है ये टेस्ट, बट काफ़ी लोगों को नहीं पसंद, जैसे कि मैं, मुझे बिटरनेस बिल्कुल नहीं पसंद. तो आप क्या करें ना, मेथी में सॉल्ट डालें, 10 मिनट वेट करना है एंड देन एक्सेस पानी को आप ड्रेन कर लें. तो चलिए देखते हैं रेसिपी कैसे बनाएं एंड टू एंड मलाई मेथी चिकन. तो चलिए देखते हैं. सो टुडे वी आर मेकिंग मलाई मेथी चिकन. तो मेथी से बिटरनेस को हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, मेथी में सॉल्ट ऐड कर दूँगी और इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी मिक्स करके. एंड कुछ समय बाद इसको ड्रेन करना है जो भी पानी निकलेगा, सो दैट मैक्सिमम बिटरनेस चला जाएगा. सो अब इस मेथी से मैंने जो एक्सेस वाटर है वो निकाल दिया है, ताकि जो बिटरनेस है वो सब चला जाए. अब मैं इस मेथी को फ्राई कर लूँगी. थोड़ा सा ऑयल मेथी फ्राई करने के लिए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा. तो ये मैं दही ऐड करूंगी पहले तो चिकन में. ये जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट है ये, देन थोड़ा सा नमक एंड ये मसाला है. इसमें धनिया भी है, देन आपका ज़ीरा भी है, लौंग वगैरह भी मैंने फ्राई करके मिक्स किया है वो मसाला. मेथी वाला कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ. हम सबसे पहले अनियन फ्राई कर लेंगे. ये मैंने दो अनियन लिया है और अब मैं ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जो बचा हुआ था वो डाल रही हूँ. जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट. तो ये अभी फ्राई हो गया है, अब हम चिकन डालेंगे, इसको फ्राई कर लेना है. थोड़ा सा बड़ा. चलिए चिकन के साथ खाने के लिए मटर पुलाव भी बना लेते हैं साथ साथ ही. हम चेक कर लेते हैं चिकन पका है कि नहीं. नहीं, अभी टाइम है चिकन को पकाने के लिए, तो मैं इसे और थोड़ी देर फ्राई करूँगी एंड देन मैं इसको ढक के पकाऊँगी. और आप याद रखें यहाँ पानी ना डालें, बिकॉज चिकन पानी छोड़ता है. एंड मैं इसको ढक दूँगी. तो मेरे पास मिल्क है एंड थोड़ा सा फ्रेश क्रीम. तो मैं पहले मिल्क ऐड करूँगी एंड फ्रेश क्रीम को मैं लास्ट में ऐड करूँगी. यहाँ पे चिकन पक चुका है, सो मैं अभी ऐड करूँगी मिल्क एंड देन चिकन को और थोड़ी देर पका ले. अब मैंने मेथी भी ऐड कर दिया है. मेथी वाला जो क्लिप था वो डिलीट हो गया है, तो मैंने मेथी को 10 मिनट पकाया एंड देन क्रीम ऐड किया. और आपका अब खाना तैयार है, आप गैस ऑफ कर लें. ये अब पक गया अच्छे तरीके से, तो हम इसको निकाल लेते हैं एक सर्विंग बाउल में. आप इस चिकन को खा सकते हो नान के साथ, मैं तो खाने वाली हूँ मटर पुलाव के साथ. आप लोगों ने देखा ही था क्लिप कि मैंने मटर पुलाव बना लिया है. सो गाइस, कैसा लगा आप सबको मेरा ये रेसिपी, मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके. एंड अगर आपको अच्छा लगा ये रेसिपी तो एक लाइक ज़रूर कर देना. थैंक यू, बाय.